आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व में यानी इस 9 दिन के व्रत में कई भक्त जन का ये प्रश्न बार बार आता है कि इस 9 दिन के व्रत में कई लोग का तबियत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग व्रत तोड़ देते हैं क्योंकि उन लोग जो है दवाई का सेवन कर लेते हैं यानी मेडिसिन खा लेते हैं। तो इस वजह से कई भक्त लोग को मैंने देखा है कि उन्होंने जब मेडिसिन का उपयोग कर लिया यानी उन्हें ग्रहण कर लिया तो व्रत तोड़ देते हैं। तो इस बारे में शास्त्र क्या कहता है और क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि कहीं कोई कारणवश आप भी व्रत ना तोड़ दें, नहीं तो कोई भी भक्त ये व्रत ना तोड़े केवल दवाई के कारण। तो इस बारे में मैं भली भांति बताने का आप सभी को प्रयास करता हूं कि अगर नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिनों के अंतराल में अगर मां की भक्ति करते करते आपका तबियत खराब हो जाए और आप जरूरत से ज्यादा आप असहाय हो जाए, आप पीड़ित हो जाए, तो उस अवस्था में आपको दवाई का सेवन अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूं वो पूर्ण अनुभव से बोल रहा हूं और साथ ही अपने में प्रयोग किया गया है। यानी मैं भी 2 साल पहले जब एक बार बीमार हो गया था तो मैंने भी इस उपाय को किया था। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोग को मैं केवल खाने के लिए प्रोत्साहन कर रहा हूं, लेकिन पूरी वीडियो को सुनिएगा ध्यानपूर्वक, मैं आगे क्या बतलाने वाला हूं। ये नहीं कि वीडियो आपने यही देखा, कट कर दिया और मेडिसिन खा ली, कुछ विशेष जानकारी आप सभी ने छोड़ दी। देखिए, कहने का मतलब यह है 9 दिन के पावन पर्व में जो भक्त लोग व्रत करते हैं तो मनुष्य शरीर है, कभी भी स्वस्थ हो सकता है, कभी भी अस्वस्थ हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपको कारणवश, चाहे आपको ठंड लगने की वजह से, चाहे आपको खराश होने की वजह से, चाहे आपको किसी भी माध्यम से आपको कोई बीमारी हो गई, तो इस अवस्था में आप जब तक अपने शरीर से सहनशीलता है, जब तक आप उसको सह सकते हैं उस बीमारी को, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब असहनीय बीमारी हो जाए यानी बुखार का टेम्परेचर आपका बढ़ते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे? ना ही आप साधना कर सकते हैं, ना ही आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, ना आप कुछ सोच सकते हैं, आप बीमार पड़े रहेंगे और घर वाले आपके अलग परेशान रहेंगे। तो इसके लिए साफ सीधे उपाय यह है कि माता वो जगत जननी है, वो जगत की माता है, केवल वो मनुष्य से प्रेम नहीं करती, केवल माता भक्त जनों से प्रेम नहीं करती, वो जगत के सारे जीव जंतु, मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, तितली हो, वन हो, कोई भी चीज हो, विषय वस्तु इत्यादि जो प्राकृतिक ने बनाए हो, उस सबसे वो प्रेम करती है, उनमें दो राय बिल्कुल नहीं है। माता और भक्त के इस अटूट पर्व यानी नवरात्रि में माता और पुत्र यानी मैं जगत जननी माता को माता मानते हुए मैं व्रत अगर कर रहा हूं तो कारणवश अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो एक मां कभी नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र हो चाहे पुत्री हो उसका तबीयत खराब हो, वो बीमार पड़ा रहे, उसके बाद भी वो स्वस्थ ना हो यानी 9 दिन तक मेरा तप करे, कोई मां ऐसा नहीं चाहेगी। जब आपको पैदा करने वाली मां आपको बीमार नहीं देख सकती है तो जगत जननी जगदम्बा आपको बीमार कभी देख सकती है? ऐसा तो सपने में नहीं हो सकता है। माता जगत जननी आपके भाव को प्रेम करती हैं, आपके विश्वास से प्रेम करती हैं, आपके श्रद्धा से आपको प्रेम करती हैं और आपसे जुड़ी रहती हैं, आपके हर दुख को आपके हर सुख में सम्मिलित होती है और आपका साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। तो ये आपने कैसे सोच लिया कि अगर मैं एक दवाई का सेवन कर लूं तो मेरी व्रत खंडित हो जाएगी यानी व्रत टूट जाएगी और इसके बाद मैं जो है नवरात्रि व्रत छोड़ दूंगा, फिर पुनः अगले वर्ष मैं इस व्रत को करूंगा? तो ऐसा भूल आप कदापि ना करें, माता जगत जननी है। तो इसके लिए आप जो है अगर आप बीमारी से ग्रसित हो गए हो तो आप बिल्कुल आप मेडिसिन खा सकते हैं। हाँ, मेडिसिन खा लिए आप, एक समय 2 दिनों तक खा लिए, उसके बाद आप स्वस्थ हो गए तो आप स्नान आदि करके माता से क्षमा याचना करते हुए कि हे माता रानी, ना चाहते हुए भी मेरा तबियत खराब हो गया, इस कारण मैंने दवाइयों का सेवन किया है जो कि सही नहीं है, उसके बावजूद शारीरिक दशा सुधारने के लिए मैंने उस औषधि यानी उस दवाई का सेवन किया है, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। माता रानी, आप जैसे हर बालक को पुत्र रूप में आप क्षमा करती हैं, वैसे ही एक अबोध बालक समझकर मुझे भी क्षमा करने का
आप कष्ट करें, क्योंकि माता जगत जननी मैं जानबूझकर दवाई नहीं खाया हूँ। माता रानी अगर मेरे द्वारा फिर भी कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। हे माता जगत जननी, मुझे आपके प्रेम के अलावा दूसरा किसी में प्रेम नहीं है, लेकिन कारणवश ये शरीर अस्वस्थ हो जाने के कारण मैंने जो है औषधि यानी दवाई का उपयोग किया है उसे ग्रहण किया है, तो अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिए और मैं पुनः अपने साधना में जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे आप जो है इस नवरात्रि पर्व का आप मुझे फल अवश्य दें, जितना भी आपको उत्तम लगे आप वो करें, लेकिन मैं इस व्रत को खंडित नहीं करना चाहता हूं। और आपको एक विशेष बात बता दूं कि ये नहीं कि आप मेडिसिन खा रहे हैं तो डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं चावल खा के खाना है, रोटी खा के खाना है, तो ये सब नहीं, आपको दवाई का प्रयोग करना है तो फलाहार रहते हुए करना है। अब आप समझिए, ये नहीं है कि दवाई जब खाने के लिए अगर बोल दिया गया है तो आप क्या किए अनाज भी खाने लगे, तो ऐसा काम आप कदापि ना करिए। आप फलाहार रहिए, आप भले ही पाठ ना कर पाते हो, आप भले ही आरती ना कर पाते हो, लेकिन माता जगत जननी का आप 2400 घंटा स्मरण तो कर सकते हैं। आप भले ही बेड पे लेटे हो चाहे बिस्तर पे लेटे हो, आप ग्रसित हो बीमारी से, लेकिन माता जगत जननी का आप स्मरण कर सकते हैं, अंतर मन से आप जप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैंने कई सारे भक्तों को नवरात्रि के व्रत में एडमिट होते हुए देखा है अस्पतालों में। इतनी बड़ी बड़ी बोतलें चढ़ती हैं 10-10 टो 15-15 टो, फिर भी वो अस्वस्थ रहते हैं। बाद में डॉक्टर कहता है ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सी साधना है। माता कहती है कि बीमार हो जाओ, डॉक्टर आपको उल्टा डांटने लगेंगे कि ये कौन सी साधना है, जब तबीयत खराब हो गई है उसके बावजूद तुम जो है जिद पे अड़े हो कि व्रत नहीं तोड़ना है, व्रत नहीं तोड़ना है, तो डॉक्टर भी आपको कहेंगे, घर वाले भी आप पे चढ़ उठेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको पूरी सात्विक फलाहार करते हुए आपको केवल दवाई का उपयोग करना है आपको स्वस्थ होने के लिए, उसके बाद फिर पुनः क्षमा याचना करते हुए माता जगत जननी की आराधना में लग जाना है और माता से ये प्रार्थना करनी है, माता ये जो भूल अगर कारणवश मुझसे ही हो गई तो मैं अगले बार प्रयास ये करूंगा कि ये गलती दोबारा मुझसे ना हो। हे माता रानी, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि अगले नवरात्र में चाहे आने वाले कोई भी नवरात्र में मुझसे ये गलती ना हो सके, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी क्षमा मांगते हुए आपको फिर से माता रानी की साधना करनी चाहिए और कभी भी व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर आप बीमारी से ग्रसित हो जाए। हाँ, वो बात अलग है जब आपकी स्थिति एक्सीडेंटल हो जाए, जैसे कि मैंने कई लोग को देखा है कि कई बार जो है भक्त लोग रास्ते में सफर करते हैं, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, हड्डी टूट गई, ब्लड निकल गया, उस अवस्था में भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उस अवस्था में मैं कह रहा हूँ कि आप व्रत रहें, नियम का पालन करें। जब आपकी शारीरिक दशा यानी जब आपके शरीर से या तक की रक्त की कणिका बहने लगी तो उस अवस्था में आपको ये सब नियम कानून को किनारे रखना है, पहले आपको जो डॉक्टरी सलाह है उसका पालन करना है, माता रानी से मनी मन क्षमा मांग लेना है। माता रानी, इस वर्ष मैंने कुछ ना कुछ कमी के माध्यम से चाहे कुछ ना कुछ अपने कर्म कष्ट के माध्यम से मुझे आज एक्सीडेंट का पात्र होना पड़ा, इस कारणवश मैं व्रत को पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। हे माता जगत जननी, मुझे क्षमा करें और जल्द से जल्द मुझे स्वस्थ करें ताकि मैं फिर पुनः जो आपका व्रत आए उसे मैं भली भांति पूर्ण कर सकूं, उसमें कोई भी रुकावट ना हो सके। तो ये सारी बातें आपको बतानी अति आवश्यक थी, क्योंकि इस बारे में वीडियो YouTube पे ना के बराबर है, कोई कुछ बातें बोलकर चला जाता है, ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्योंकि 2 साल पहले जब मेरा तबीयत खराब हुआ था, जब मैं बुखार से ग्रसित हो चुका था पूरी तरीके से, तो मैंने माता से आज्ञा मांगी थी कि माता मैं खाऊं कि ना खाऊं, तो मैं बहुत संकोच में था क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। जिसे भी पूछता था वो बोलते थे दवाई खा लेगा व्रत टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा खाना पीना खा लो, छोड़ दो व्रत अगले साल करना। लेकिन मैंने माता से आज्ञा ली, माता मैं खा सकता हूँ कि नहीं, तो माता ने मुझे स्वप्न में आके कहा कि बालक मैं तुम्हें कभी भी मूर्छित यानी बीमार से ग्रसित कभी नहीं देख सकती, मैं अपने हर भक्तों को प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक और हंसी खुशी देखना चाहती हूँ, तो कष्ट में होने के कारण अगर तुम्हें दवाई का सेवन करना पड़े तो तुम कर सकते हो। तब मैं सुबह जाके डॉक्टरी हॉस्पिटल में जाके मैंने दवा का सेवन किया और 3 टाइम जब मैंने मेडिसिन खा ली तो उसके बाद से मैंने स्वस्थ होकर फिर से स्नान आदि करके क्षमा याचना करते हुए माँ की साधना शुरू कर दी। तो ये मेरा पूर्ण अनुभव है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, मैंने व्रत तोड़ा नहीं था,
मैंने पूरी तरीके से व्रत किया, नियम का पालन किया, हाँ दवाई का सेवन मैंने किया, क्योंकि जो है शरीर जो है पूरी तरीके से अस्वस्थ हो चुका था, मूर्छित हो चुका था। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।